आपका बताएं सर, पहले तो एक बार बाजार पर व्यू लिया जाए। बड़ा सुस्त सा रेंज बाउंड सा मार्केट है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई किस तरफ बड़ा मूव देगा। क्या है आपका विचार और कहां आप देख रहे हैं मंथली एक्सपायरी? आपको कहा 18400 के पास, और दूसरी बात, एक दो दिन अगर बाजार सुस्ताता है तो रोज उसने नहीं चलना। आपने एक महीने में आपको 40 वाला 78 हो गया यूनियन बैंक, और 8.5 वाला हो गया 15.5 साउथ बैंक। तो आप देख रहे हो पैसा तो बन रहा है। अब आपके पास एक दो दिन का ठहराव नहीं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ अनिल जी? इसकी सिंपल रीजनिंग है कि तेल अगर $80 आता है तो आपको मुश्किल है, नहीं आता तो मुश्किल। आप बताइए ना, क्या कंफर्ट दूं मैं आपको? 18400 एक नंबर है। बैंक निफ्टी तो मंदी वालों के वैसे ही कपड़े उतार चुका है। ऑन अ लाइटर नोट, तो मुझे कोई दो राय नहीं, परसों की एक्सपायरी 18400 के पास होगी। अगर आप ले सकते हैं तो उसके हिसाब से आप अपनी ऑप्शन स्ट्रेटेजी लीजिए। आपको अपडेट भी दे दूं, यूनियन बैंक में प्रॉफिट बुक कीजिए, साउथ इंडिया बैंक में प्रॉफिट बुक कीजिए। सिंपल चीज, जो चीज 70-80% भर गई, अनिल जी मौके रोज नहीं आते। और अपने अच्छे शेयर लीजिए जो आपको बाकी देते हैं, लाइक अल्ट्राटेक, लाइक एनटीपीसी। सिंपल रीजनिंग अनिल जी, पावर प्राइसेज आर गोइंग टू बी इन सिंक एंड कॉस्ट आर फॉलिंग, देन पावर प्रोड्यूसर्स आर इन द बेस्ट प्लेस एवर। अब आपके लिए दो पिक्स हैं, और एक आपके लिए एक माने एक मल्टी कैप आइडिया है जो अगले साल दुगना हो सकता है। यहाँ से आप कहें तो मैं शुरू करूँ। जी सर प्लीज बताएं। तो अगर आपकी मार्केट कैप कैसे हो सकती है 24,000 करोड़? आज आपको पता है वॉल्ट डिज्नी की मार्केट कैप क्या है? $200 बिलियन। कितने है? 200 बिलियन। हमारी कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है। साथ में नाउ सोनी बीइंग हियर मींस दैट देयर इज अ क्लीन बैलेंस शीट, एंड आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू दैट जी इज अ नो ब्रेनर। जो ये इसमें मर्जर वगैरह है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डेज। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा, एज ए डिस्क्लोजर, मोस्ट ऑफ माई बिग क्लाइंट्स हैव बीन अक्यूमुलेटिंग जी। आई थिंक जी इज हेडेड टू 400। यू कैन नॉट हैव द लार्ज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स विद अ मार्केट कैप ऑफ 24,000 करोड़ इन एन इकोनॉमी विच इज गोइंग टू गो टू $5 ट्रिलियन। जी अनिल जी लिख के ले लेना, 450 और 500 रुपए होएगा बिफोर द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। और अगर आपको एक मल्टी कैप शेयर लेना है जो मेरे हिसाब से नो ब्रेनर है, तो वो है जी। बिल्कुल, तो ये है जी एंटरटेनमेंट जो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। और बताएं सर, और कौन से स्टॉक्स चुने आज? अनिल जी आज लेना है मैंने बलरामपुर चीनी। मुझे लगता है शुगर स्टॉक्स आर गोइंग टू डू वेरी वेल, दिस इज द फेस्टिव सीजन। 352-353 में लीजिए, 345 का स्टॉप लॉस, 370 का टारगेट। दूसरा, पाम ऑयल प्राइसेस फॉल इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी विल बी गोदरेज कंज्यूमर। 834 रुपए में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 820, 865 इज कमिंग इन गोदरेज कंज्यूमर।